हेलो दोस्तों, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। तार, पंखे, मोटर, लाइट, बत्ती, मतलब इससे क्या पता चलता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बिजली के बारे में। वो आपके पड़ोस वाले बिजली एंटी के बारे में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को छुओगे ना तो गए। इसीलिए इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना। ये असल जिंदगी में तो खतरनाक है, साथ ही एग्जाम के लिए भी खतरनाक ही है, तो काफी ध्यान से इसको समझो। तो चलो जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही तो कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इन पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक समय का यूनिट में, एक समय के पीरियड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि किसी भी टाइम का यूनिट लो, जैसे कि सेकंड ले लो, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो कर रहा है, मतलब एक दूसरी जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर आया क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया, आज तक तो हमने सिर्फ सुना है कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो चलो थोड़ा सा चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के डिफिनेशन के साथ और पूरी डिटेल के साथ हम लोग हाजिर हैं। ठीक, तो देखो चार्ज क्या होते हैं। जैसे एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्ट होते हैं। तो सब बेसिकली क्या है, एटम्स के लिए पार्टिकल्स हैं। वैसे ही चार्ज भी एटम का एक पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, मतलब जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब उस दूर भगाते हैं। ठीक, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और वहीं पर अनलाइक चार्ज, जो कि अलग अलग है, मतलब कि एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, मतलब जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अलग अलग चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपने तरफ खींच लेगा उसको। और ये जो चार्ज है, चार्ज इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और इस चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम जो कि एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, कूलम। और कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम। और इसका फॉर्मूला होता है एन इन टू ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन इन टू ई। अब ये एन और ई क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब चार्जेस में क्या होता है, ये जो एन है ना, एन इसको हम लोग बोलते हैं नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अभी हम थोड़ा सा समझाएंगे, रुको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई से तो तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रॉन होता है। देखो चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को बना रहे हैं, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अब देखो उसको गुना कर दो तो चार्ज मिल जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 to the power -16। 10 to the power -16 माइनस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव होते हैं, निगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सब जब गुना होगा तो सब माइनस में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि चलो भैया 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम चार्ज निकालो, चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा ये तुम निकालो। तो तुम लोग सिंपल निकाल सकते हो कि तुम्हें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिए गए हैं 10,
और तुम्हें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁶ होता है। तब बेसिकली तुम लोग क्या करोगे, इसको और इसको गुना कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और चार्ज के बारे में तुम लोग पूरी डिटेल जो कि तुम्हारे 10th क्लास के लिए सफिशियंट है वो तुम्हें मिल चुकी है। अब देखो, अब ये जो चार्ज है ना, इसी के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि एक सेकेंड में, एक मिनट में, किसी भी टाइम के यूनिट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी अब तुम्हें समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम क्यों लगा गया है कि एक सेकंड में कितना चार्ज गया, एक घंटा में कितना चार्ज गया, एक मिनट में कितना चार्ज गया, मतलब किसी भी टाइम की यूनिट में कितना चार्ज गया, इसको दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और जानते हैं। अब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए हम लोग या फिर फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट सब ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट ही हम लोग अभी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसका डिफिनेशन तो हमने तुम्हें पहले ही दिखा दिया था। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। और जिस तरीके से चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब थी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट जो है SI यूनिट इसकी होती है एम्पियर। ठीक, और एम्पियर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वोल्ट, मतलब बड़ा ज़्यादा पावर में हो जाता है, तो इसलिए हम लोग मिली एम्पियर को ए से दिखाया जाता है, इतना ही याद रखो, ए से दिखाया जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ा पावर हो जाता है, ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए हम लोग मिली एम्पियर जिसे एमए से इसका यूज करते हैं, या फिर इससे भी छोटी यूनिट दिखाने के लिए हम लोग माइक्रो एम्पियर का यूज करते हैं, माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो इसको करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं आई से। इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कमेंट करके बताओ। हमने बोला था ना कि चार्ज कि एक यूनिट टाइम एक समय में कितना बह रहा है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, यानी कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, तुम्हें याद रखे, इसलिए अपन यहाँ पर Q ही छोड़ दिए। Q/T होता है करंट का फॉर्मूला। ठीक, इतना समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्यू लिख दो, टी लिख दो, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की ऐसा यूनिट क्या होती है, ए होती है, तो यहाँ पर ए लिख दो और अच्छा हो जाएगा, ए। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, हमने बताया था ना, कूलम SI यूनिट, याद रखो कूलम। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब देखो, अब वन एम्पियर करंट क्या होता है, वन एम्पियर करंट क्या होता है, तुम लोग थोड़ा सा सोचोगे तो इसका आंसर इजीली दे सकते हो। वन एम्पियर करंट क्या होता है, सीधा सीधा मतलब होता है कि एक कूलम्ब चार्ज एक सेकंड में बह रहा है, इसी को बोलेंगे वन एम्पियर करंट। व्हेन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन यानी कि कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब एक कूलम्ब चार्ज
एक सेकंड के अंदर में फ्लो करे, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 एम्पेयर। ठीक, अब हम लिख देते हैं, तुम लोग नोट कर सकते हो। अब देखो 1 एम्पेयर का डिफिनेशन तुम्हारे सामने हाजिर है। जब एक कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होकर एक सेकंड के अंदर में गुजरे, तो उसको उस वक्त जो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 एम्पेयर। और ये 1 एम्पेयर का डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर किया जाए कि भैया 1 एम्पेयर करंट पास हुआ है, 1 एम्पेयर करंट है कि 10 एम्पेयर करंट है, 2 एम्पेयर करंट है, कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस का नाम होता है एम मीटर। ठीक, इस डिवाइस का नाम है एम मीटर से हमें पता चल जाता है कि करंट कितना, करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, ये सब हमें एम मीटर के मदद से पता चल जाता है। और एम मीटर तो लगा सकते हैं हम लोग। एम मीटर को लगाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो रेसिस्टिविटी हो वो लो हो, लो रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या है इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक, ये आगे में टॉपिक है, इसको हम लोग जान लेंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एम मीटर समझ गए। अब देखो, हमने पढ़ा कि चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कि भैया पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, या निगेटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है। ठीक, क्या मज़ेदार बात है जानेंगे। तो देखो, अभी ये जान लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो तो है ना, उसी की तरह है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि चलो पता तो चल गया, इसमें क्या रहस्य, क्या मजाक है, पता तो चल गया इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी निगेटिव होगा। ना, ऐसा कन्फ्यूजन में नहीं रहना। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में बढ़ेंगे, मतलब कि इस तरफ, जिस तरफ गिर जा रहा है इस तरफ बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ फ्लो करेगी अपने आप। और ऐसा क्यों होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है, ये अभी तक रहस्य है। ठीक, यही रहस्य है, ये परंपरागत तरीका है। और लोग ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था उस वक्त प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी को पता नहीं था। शायद अभी पता होता तो सीधा सीधा इसका डिफिनीशन, अगर मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ रहता तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट या फिर जो भी कुछ बोलना है वो बोल सकते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन सही नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन तुम्हें मिल चुका है क्या होते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में बहेंगे, मतलब इस तरफ बहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ ऑटोमेटिक फ्लो करेगी। ठीक, और ऐसा क्यों होता है, ये एक कन्वेंशन है यानी कि परंपरा है, इसका सबूत किसी के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, और बोलते क्या है सही, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पहले डिस्कवर की गई है। ठीक, अब लोग क्या बोलते हैं, बोलते ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, लेकिन ये इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया,
अब नेक्स्ट क्या है, अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको थोड़ा सा देख लो। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज यानी कि बंद कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक। इसको अभी समझेंगे। एक क्लोज कंडक्टिंग पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ वायर बल्ब स्विच सेल विथ टू टर्मिनल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पार्ट मतलब कि एक बंद जो कि कंडक्टर से जुड़ा हुआ रास्ता है जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी और साथ ही साथ उसमें वायर्स लगे होंगे। कंडक्टर वायर से ही तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एल्युमिनियम के पहाड़ में जाकर सटाओगे और बल्ब चलाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग पाथ क्या होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके आसानी से, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पाथ। तो एक बंद कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स लगे हो, बल्ब लगी हो, साथ ही उसमें स्विच कनेक्ट हो सकता है, नहीं भी करो तुम्हारी मर्जी, एक्सेप्शन से एकदम एक्सेप्शन से मन करे तो कनेक्ट करो, नहीं करो फिर भी करेंट पास करेगा। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर लगे हो, साथ ही उसमें सेल हो या फिर कोई भी ऐसा चीज जिससे करंट फ्लो करे, जिस जो भी करंट को दे सेल, और उसमें दो टर्मिनल हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक। तो उस पाथ को, उस क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। एक ऐसा रास्ता जिसमें एक तार हो जो कि बैटरी से कनेक्ट हो। देखो सिंपल सा चीज, मेरे पास एक चीज मिला हमको, और देखो एक तार जिससे कनेक्ट, एक बैटरी मोबाइल का बैटरी सेट है इससे कनेक्ट है और इसको मान लो बल्ब जो कि नच रहा है, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इस पूरे चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। सीधा सवाल है, हवा खाली बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट में पता चल गया कि एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें कि दो एक सेल उसके साथ उसमें दो वायर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस का जो वायर होता है, दो वायर्स लगे हुए होते हैं, साथ ही उसमें स्विच लगा हो या न लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्ब की जगह तुम लोग कुछ और भी चीज़ लगा सकते हो। उस पाथ को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है जो हम लोग सर्किट बना रहे उससे करंट फ्लो कर दे, ये नहीं कि तुम लोग एक कंडक्टिंग पाथ बोल दिए तो इसका क्या मतलब है कंडक्टिंग पाथ बोलने का, कि कंडक्टर ही लगाओगे, कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सके। ऐसा नहीं कि रबर में बैटरी ऐसे लगा दोगे, जो रबर होता है ना इरेजर, उसमें ऐसे बैटरी लगा दोगे और उसके ऊपर सोचोगे कि बल्ब रखते हैं जलेगा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग एक डायग्राम की मदद से दिखाते हैं, उस डायग्राम को बोलता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक। और ये डायग्राम तुम लोग बचपन से 7 क्लास से बनाते आ रहे हो, एक मैंने भूल गए होगे मानता हूँ। तो क्या है डायग्राम है, एक बड़ा लाइन साथ ही ये दूसरा छोटा लाइन, ये इसको कर दो प्लस क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है तो कर दो माइनस, और एक इधर आ गया ये ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मारपीट हुआ, बल्ब है यहाँ यहाँ पर एक स्विच, इसी को तो बोलते हैं सर्किट डायग्राम। वो भी एक बड़ा भाई छोटा भाई ऊपर गया, यहाँ पर ये इस तरफ गया, प्लस है इस तरफ गया, माइनस है इस तरफ गया, और यहाँ पर आकर तो ऐसे ऐसे मिलाकर बल्ब को जला दिए, बल्ब जलने लगा, और इसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। एक चीज देखो तुम लोगों को यहाँ पर कुछ ये हो गया स्विच, क्या हो गया स्विच हो गया, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया सेल, ये हो गया बल्ब, ये हो गया बल्ब, और ये तुम्हारा है वायर, ये क्या है ये है वायर। और इधर इसमें तुम लोग चाहो तो एमीटर लगा दो एमीटर जिससे करंट कितना जा रहा है तुम्हें पता चलते रहे, और कुछ और चाहो तो तुम लोग इसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगेगा जो कि आगे हम लोग बता देंगे।
ठीक कि वोल्ट क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, आज जस्ट वही पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसको अभी थोड़ा सा दिमाग में रखो और क्या होता है इसमें, अभी दिमाग खूब चेंज में डालो, जो अभी सीखा है उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले, जानने से पहले एक चीज़ इमेजिन करो, एक डिटेक करते हैं। अगर मान लो कि पानी है, अगर पूरा ऐसे प्लेन जगह पर, पूरा प्लेन जगह पर थोड़ा सा भी रहेगा, पूरा प्लेन जगह पर, तो क्या वो फ्लो करेगा? क्या वो फ्लो करेगा? स्विमिंग पूल का पानी फ्लो करता है? नहीं ना करता है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल समान है। अगर लेवल इक्वल होगा, हाइट इक्वल होगा, मतलब एक हाइट पर पानी होगा, तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं ना फ्लो करेगा। वैसा ही होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी भी चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो समझ में आ रही है ना बात? इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो चार्ज फ्लो करेंगे, कब फ्लो करेंगे? जब कुछ ना कुछ इस पॉइंट से अगर ऐसे हो, मतलब कि डिफरेंस हो, किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस हो, तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे। अगर वो भी बराबर जगह पर होगा तो फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर पानी के जैसा नहीं होता है कि पानी ऊपर से ऐसे गिर रहा है तो चार्ज भी ऊपर से ऐसे नीचे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस इसमें सिमिलरिटी क्या है, पानी भी उस जगह से जाता है दूसरे जगह पर, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की ओर जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी जहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, जहाँ पर ज़्यादा चार्ज है वहाँ से कम चार्ज की ओर जाती है। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़, चाहे तुम प्रेशर पढ़ रहे हो, चाहे तुम हीट पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम के पास ट्रांसफ़र होती है। ठीक, कम से ज़्यादा के पास नहीं, जो गरीब है वो क्या देगा भाई, जो अमीर है वो ना देगा। ठीक, बात समझो, इसको अभी दिल पर नहीं दो, बात समझो क्या हो रहा है। तो वैसे ही इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है जिससे चार्ज मूव करते हैं, इसको बोले जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इतना बड़ा नाम है और इसको हम लोग आम बोल जाएंगे, इसको ही वोल्टेज के नाम से जानते हैं, इसको ही वोल्टेज कहते हैं हम लोग। ठीक, वोल्टेज यही है। ठीक, तो तुम्हें अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से इसे जानना है, वोल्टेज आगे पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये तुम लोग समझिए ना कि जो डिफरेंस होता है जिसके वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। अब वोल्टेज का डिफिनीशन जान लो, चलो डिफिनीशन लिखते हैं। देखो तो डिफिनेशन तुम्हारे लिए हाजिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक, ये वाला कट कर दिए थे अपन, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, जो चार्ज, जिसमें कि चार्ज फ्लो कर रहा है, जो कि चार्ज को कैरी कर रही है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसके बीच में एक जगह से दूसरे जगह के बीच में, ऐसे नहीं उसके चार्ज के बीच में कितना डिफरेंस है, इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना ज़्यादा वर्क लगता है। सिंपल भाषा में बोले तो
बैटरी बैटरी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, बैटरी में चार्ज ज़्यादा रहता है, बॉल में चार्ज कम रहता है। तो इस जो चार्ज है बैटरी में, इस चार्ज को बॉल में बल्ब में ले जाने में कितना ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, कितना ज़्यादा वर्क लग रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट किया जाता है, या फिर से ये तुम्हें समझ में आ गया, इसको पहले इरेज कर। आई होप कि तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी किताब में देखो क्या दिया गया है कि दो प्लेस के जगह, दो प्लेस के एक जगह से दूसरी जगह, दोनों प्लेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालने के बारे में आपने बताया। लेकिन एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है वो आपकी किताब में लिख दिया गया है। ठीक, और क्या होता है वो हमने आपको समझा दिया कि ज़्यादा चार्ज से, ज़्यादा जहाँ पर चार्ज है वहाँ से जो कम चार्ज में फ्लो कर रहा है उसी डिफरेंस को, मतलब ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज के जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिनोशन है, जैसे कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वी। अब वी से क्यों डिनोट किया जाता है ये सब्र करो, पता चलेगा। और इसकी एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, ठीक, जिनका नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये इटली के साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, और बेसिकली ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो इनको साइंटिस्ट नहीं अभी फिजिकिस्ट बोलो। ठीक, उनका नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्होंने बहुत सारा आविष्कार किया फिजिक्स की दुनिया में, जिससे इनको सम्मान देने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो एसआई यूनिट है इसको वोल्ट रख दिया गया। और क्योंकि एसआई यूनिट वोल्ट है इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है वी से। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैं कर लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोटिंग में लिखा है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब कितना ज़्यादा काम हुआ, वर्क डन बटा चार्ज। यही होता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वर्क डन बटा चार्ज। ठीक, अब देखो, अब ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है, तुम सबको पता चल गया। और साथ ही इसको वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, पहले ही बता चुके हैं। दूसरा, इसको डिनोट किया जाता है वी से। ऐसा यूनिट वोल्ट नाम ही क्यों रखा गया बता दिए, एलेक्जेंड्रो वोल्टा की वजह से, इटली के थे यही बता दिया। अब देखो, अब जैसे हमने करंट में पढ़ा था ना एम्पियर ऐसे यूनिट होती है, फिर हमने देखा था 1 एम्पियर, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है इसको देखो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो, ये जो इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब दो जगहों के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पता करने का फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है जे, अरे भाई ये कैसा चीज है, चलो इस ए जे नहीं है, इसको शायद सही कर लेना चाहिए। ये जे है और इस जे को हम लोग जे बटा क्यू इक्वल टू। ठीक, जे बट अब 1 वोल्ट जूल, एक वर्क डन मतलब जूल, ऐसा ही मिनट जूल, क्यू यहाँ पर 1 क्यू, 1 क्यू का ऐसा यूनिट कूलम,
मतलब पूरा ऐसा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। वर्क टर्म का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क टर्म का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का, चार्ज के ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, कूलम यहाँ पर वन वन वन, अब देखो वन वोल्ट यही होता है, इतना छोटा ही वन वोल्ट है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना ही छोटा होता है वन वोल्ट। अब इसको सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए, सेंटेंस के फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा जान लो क्या वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो ध्यान से, वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसको लिख कर नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। देखो वन वोल्ट क्या होता है, या किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि वैसा कंडक्टर जिसमें से करंट जा रहा है, उसमें जब एक जूल अपवर्ड, एक जूल काम हो, इसमें एक कूलम चार्ज को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में, ये तो इसका हिंदी है जो कि गूगल ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन सुनो। वन वोल्ट क्या होता है, या किसी भी दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें वे एक कूलम, वन कूलम चार्ज को मूव कराने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में एक जूल वर्क डन हो, उसको बोलते हैं वन वोल्ट। वन वोल्ट का फॉर्मूला, मतलब वोल्ट का फॉर्मूला होता है जूल, जूल डिवाइडेड बाई कूलम, तो वन वोल्ट का भी फॉर्मूला होगा वन जूल डिवाइडेड बाई वन कूलम, तो वन वोल्ट तुम लोग समझ गए। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको हम लोग मूव कर मेजर कैसे करेंगे, ये डिवाइड थोड़ी ना कर देखेंगे, वो तो किताब में डिवाइड कर देखोगे ना, रियल लाइफ में कितना करंट पास हो रहा है, कितना कूलम हो रहा है, तार से देखकर थोड़ी बताओगे, वो तुम्हें बताता जा रहा है हाय मैं वन कूलम चार्ज हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, दूसरा बोलेगा कि हाय इस वन कूलम चार्ज को मूव कराने में मैं वन जूल वर्क डन कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना रियल लाइफ में, तारे तो नहीं बोलती है, ये किताब की तरह फार्मूला है। तो इसी फार्मूला का यूज करके एक मशीन बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और इसी वोल्ट मीटर के यूज से हमें पता चलता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। और इस वोल्ट मीटर को ऐसे डिनोट किया जाता है, प्लस माइनस ऐसे डिनोट किया जाता है। और इस वोल्ट मीटर को लगाने में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए इधर को साफ करो, कहो भैया मारो इसे, क्या सोच रहे हैं, या अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बड़े भाई साहब, एक छोटे भाई साहब, यहाँ से गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर तुम्हारा कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर आया, ये मीटर पता चल गया कि प्लस माइनस, ठीक, यहाँ पर स्विच होगा। अब देखो ये जो वोल्ट मीटर है वो लगता कहाँ है सीरीज में, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता कहाँ है, इसको लगाया जाता है पैरेलल कंडक्टर के पैरेलल, यानी कि या तो इसको तुम ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ या फिर इसके ऊपर लगाओ, मतलब पैरेलली लगेगा, एक साथ नहीं लगेगा, यहाँ पर एमीटर है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दो गलत है, या फिर यहाँ पर ऐसे वोल्ट मीटर लगा दो गलत है, ये जब भी लगेगा ऐसे पैरेलल लगेगा, कभी भी सीरीज में नहीं लगेगा, ठीक, लगातार नहीं लगेगा, पैरेलल लगेगा। तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है, अब बस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इतना देर और पढ़ लो,
फिर इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में तोड़ फोड़ के रख दोगे। अब थोड़ा सा ओम्स लॉ देख लेते हैं। एक ओम चाचा थे जिन्होंने लॉ दिया था, अपना कानून दिया था, ठीक। वैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कानून देता है, वहाँ पर ओम्स लॉ, ओम का कानून, क्या कानून है, चलो उनके कानून को थोड़ा सा पढ़ते हैं। वो कहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। Across the end. One more time. At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends. ठीक, कविता सुन ली, अब समझो क्या बोल रहे हैं। ओम्स का जो कानून है, जो सिद्धांत है, जो लॉ है, जो भी है इनका, ये यही कहता है कि अगर हम टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं करें, मतलब कि जब टेम्परेचर बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, हिलेगा डोलेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा, तब की बात की जा रही है, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उस वक्त जब एक कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर उसके जो दो छोर हैं, दो एंड्स हैं, जैसे कि अगर ये है एक इसका ए वाला एंड, एक है ए वाला एंड, अगर ये जो दोनों एंड है, अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट का फ्लो घटेगा, ठीक। करंट का फ्लो बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है, इसका मतलब यही होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। यही ओम्स का लॉ है और ये तभी संभव होगा जब टेम्परेचर में छेड़छाड़ न किया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि इनके अनुसार भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस कांस्टेंट को, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाना पड़ेगा। इक्वल आई, अब एक कांस्टेंट देंगे तो भैया इसमें कांस्टेंट क्या दे, क्या दे, बहुत सोचा साइंटिस्ट लोगों ने, तब उन्हें एक चीज़ मिली, पता है क्या, जैसे धरती का जो भी चीज़ घूमता है, जो भी चीज़ फ्लो करता है, उसको रोकने के लिए, जो भी चीज़ घूमता है उसको रोकने के लिए एक ब्रेक होता है। जैसे हमारी धरती घूम रही है तो तुम इस पर चल रहे हो, तो तुम्हें रोकने के लिए उसने फ्रिक्शनल फोर्स बना दिया है, चलोगे तो दौड़ोगे तो ऑटोमेटिक रुकोगे, साइकिल चलेगी ऑटोमेटिक रुकेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीज, मोटरसाइकिल का ब्रेक होता है, साइकिल का ब्रेक होता है, चार चक्का जो फोर व्हीलर होती है, ट्रक, सबका ब्रेक होता है रुकने के लिए। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी ब्रेक है, जो कि रेसिस्टेंस होता है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये एक अपोजिंग, जैसे धरती की अपोजिंग प्रॉपर्टी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, वैसे ही इसकी भी अपोजिंग, इलेक्ट्रिसिटी की अपोजिंग प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टर के अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चीज़ ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि आ भाई तू मेरे अंदर से घुस जा, मेरा शरीर फाड़ कर इधर चल जा, ऐसा तो नहीं ना बोलेगा कोई भी चीज़। तुम लोग बोलोगे क्या मैं ऐसे चाकू लेकर खड़ा हूँ, तो बोलेगा कि आ भाई चाकू मेरा शरीर फाड़ और चल जा, ऐसा तो नहीं होगा। वैसे ही तुम लोग जितना बल्ब होता है लगाकर ऐसे हाथ लगाओगे, पैर लगाकर ऐसे रोकोगे भैया छुरी अंदर नहीं डाले, वैसे कंडक्टर भी रोकता है कि भैया मैं करंट को पार नहीं होने दूंगा, भले करंट पास हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर की रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर, रेसिस्टेंस को मान लें इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, इसलिए रुक जाता है। तो इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगी नहीं ना, उसी तरीके से रेसिस्टेंस भी घटता बढ़ता नहीं है, जितना उसमें पहले से है उतना ही रहता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट मान लिया गया है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, रेसिस्टेंस भी इज इक्वल्स टू आई आर। बस यही ओम्स का लॉ है और आई आर से यहाँ से अब हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, अभी ऐसे तुमको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ।
ये जो आई है वो इक्वल्स किधर आएगा, जो आई है वो इक्वल्स किधर आएगा, यानी कि वी बटा आई इज इक्वल्स टू आर। यहाँ पर तुम लोग रेसिस्टेंस भी समझ गए, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी समझ गए, ये तो कमाल की बात है ना। रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि करंट को रोकता है, जिसकी मदद से करंट को रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और ये हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट वी बटा आई। बस अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यहीं पर लगे आप रेसिस्टेंस को भी सीख लो। जिसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें, जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ओम एसआई यूनिट इसका क्या होता है, ओम, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एसआई यूनिट ओम। ये इसको थोड़ा देख क्या है, इसको थोड़ा भी ये तो हमने समझा दिया। एसआई यूनिट ओम होती है, और ओम को हम लोग ये ऐसे बना देते हैं, क्या ऐसे नहीं बना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ओम को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ड्रॉइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी लगभग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओम और मीटर, ठीक। ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है, ये तुम्हें समझ में आ गया। और क्या है फिर, अब क्या समझना है, अब समझना है कि वन ओम क्या होता है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, कि इसको थोड़ा सा वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रन करो। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे यूनिट ओम होता है, तो ओम मीटर इज इक्वल टू इसकी जैसे यूनिट क्या होती है, घी ही डाले थे, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर और घी की भी ऐसे यूनिट पूछ ही कर दो। अब देखो बस यहाँ पर देखो, और इसी को बोलते हैं वन ओम, यहाँ पर वन लगा दो, यहाँ पर वन लगा दो, इसी को बोलते हैं वन ओम। बस इतना ही मैथ है, इतना ही मैथ से, और इसका इंग्लिश इतना होगा अगर अभी लिखने जाए तो। चलो लिख कर दिखाते हैं, देखो अब वन ओम का मंत्र पढ़ लो। वन ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when potential difference of 1 volt is applied to its end, then current of 1 ampere will flow through it. अब सुनो ध्यान से, 1 ohm क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है जब जब उसके दोनों एंड पर, दोनों छोर पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया जाए, फिर भी उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तब हम लोग उसको बोलेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस, ठीक। समझ में आ गया 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस तरीके से हो, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगाया जाए, तब 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो करे, उसी को बोलते हैं 1 ओम, ठीक। अब 1 ओम समझ में आ गया तुम लोगों का। अब एक चीज़ देखो, एक मजे की चीज़ है, बिना अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ पढ़ा ना, जिसमें हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मस्त है कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस, और उस वेरिएबल रेसिस्टेंस का काम ही यही है, उसका काम यही है कि वो बिना वोल्टेज के सोर्स को, बिना वोल्ट, जहाँ से वोल्ट आ रहा है, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसको बिना छेड़छाड़ की वो करंट को रेगुलेट करता है, करंट को कम बेसी करता है, मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस बना, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है,
उस डिवाइस का नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक, अब एक डिवाइस रिहोस्टेट वो क्या है, वो एक डिवाइस है जिससे किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस बदला जा सकता है, उसका नाम है रिहोस्टेट, जिससे किसी भी सर्किट का हम लोग रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं। ठीक, अभी देखो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में क्या क्या जान चुके हैं। हमें रेसिस्टेंस क्या होता है जान लिया, कि ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक, और जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि कंडक्टर वैसे चीज को कहते हैं जो कि करंट को फ्लो होने दे। ठीक, ये हमने जान लिया, जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो ख़राब कंडक्टर होगा भाई, क्योंकि वो करंट को फ्लो करने दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी होगा, वो बेकार आदमी होगा, ये हमने जान लिया है। और SI यूनिट इसकी ओम होती है, जान लिया। 1 ओम क्या होता है ये भी जान लिया। एक वस्तु के बारे में जाना, वेरिएबल रेसिस्टेंस, रिहोस्टेट के बारे में जाना। अब थोड़ा सा जानते हैं कि भैया रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको ख़राब कर सकते हैं। चलो जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेसिस्टेंस को रोकते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या कैसे ये अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, जितना ज़्यादा हम लोग तार की जो कंडक्टर है, वायर है, उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कि उतना ही कम करंट उसमें से हमें मिलेगा। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे मतलब रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब कि करंट को फ्लो होने से ज़्यादा रोकेगा मतलब हमें करंट कम मिलेगी। तो पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसीलिए हमेशा तार वगैरह ज़्यादा लंबी खींचने से हमें वोल्टेज कम मिलती है। ठीक, वोल्टेज का अनुभव कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि अगर देखो ये जो तार है, ये क्या है, तार तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तार है इसकी एरिया मतलब कि कितना ज़्यादा मोटा है, ठीक, उस पर भी इसकी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगी। अब कैसे डिपेंड करेगी वो देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का जो एरिया होता है वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसीलिए देखो जो बिजली का जो तार होता है ना, बिजली का जो तार जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो तो मोटा इसीलिए बनाया जाता है, क्योंकि पोल तो एकदम पास में ट्रांसफार्मर लग नहीं सकता ना, 100-200 मीटर पर लगता है। ठीक, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब करंट कम मिलेगा। तो क्या किया जाता है कि तार का एरिया बढ़ा दीजिए, तो तार का एरिया बढ़ गया मतलब कि रेसिस्टेंस घट गया, तार का एरिया बढ़ गया मतलब रेसिस्टेंस घट गया, और लेंथ भी बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया मतलब एक तरफ रेसिस्टेंस बढ़ा और दूसरे तरफ हमने रेसिस्टेंस को घटा दिया, मतलब ओरिजिनल हमें करंट मिल रहा है। वाह क्या दिमाग है, देखा ऐसे इंजीनियर सब यूज करते हैं, इसलिए तार मोटा होता है, समझ में आ रहा है ना। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार की जो मोटाई होती है, जो एरिया होता है गोल, अभी हमने दिखाया ना, ये देखो जैसे तार है ये, इसका ये जो एरिया है गोल जो एरिया है, इसमें तो ऐसे दो तार है, एक तार में एक जो तार है इसका एरिया कम है, तो इसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी, एरिया कम है मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए मोटा कर दिया जाता है पोल करके तारों को। ठीक, ये समझ में है। और साथ ही तीसरा फैक्टर एक और है जिससे कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो है कि कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, किस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है। अगर भैया ये जो तार है, जो मेरे पास तार है, अगर वो रबर से बना होता तो क्या रेसिस्टेंस का ज़्यादा होता कि कम होता, ऑफकोर्स ज़्यादा होता, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता,
मतलब इससे हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि मटेरियल के नेचर से भी कंडक्टर के मटेरियल के नेचर से भी रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है और टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ और रेजिस्टेंस होगा, घटेगा तो कुछ और रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से जो चार फैक्टर से जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इसी के साथ हमने तार का एक कमाल तत्व भी जान लिया। अब क्या है, अब रेजिस्टेंस के बारे में और ज़्यादा कुछ तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होगा। एक चीज़ और जान लो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है कि प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस वक्त प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं। मतलब कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस से। ठीक, बस इतना ही। और एलोय का तो अनअफेक्टेड रहता है, जो एलोय जैसे कि नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, ये सब एलोय हैं जो कि हीटर वगैरह में यूज किया जाता है, उस सबको टेम्परेचर से कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक, अब फैक्टर्स के बाद देखते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानना है। अब रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अब देखो, रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, उसके बारे में सारा चीज़ हमने जान लिया, तो क्या होने लगा ना कि तार तो भैया हमने एक ही तरह का बनाया लगभग कि जो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होने लगे जैसे मोबाइल फ़ोन, उसके चार्जर में हम 250 वोल्ट देंगे ना तो जल जाएगा, ठीक, मोबाइल एकदम ब्लास्ट कर देगा। उसमें 8-10 वोल्ट ऐसे ही 8 वोल्ट के करीब में होता है। तो अब इसको कम कैसे किया जाए, अब हम लोग नए तार लाए, नए उसमें चीज़ लगा, उस सबसे बचने के लिए एक डिवाइस बना दिया गया, रेसिस्टर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें पहले से डिटरमाइन होता है कि भैया इसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी, जैसे कि 5 ओम रेसिस्टेंस रखोगे, 10 ओम रेसिस्टेंस रखोगे, कितनी रेसिस्टेंस रखोगे ये पहले से डिटरमाइन कर दी जाती है। तो जिसमें हमें 10 ओम रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो वैसा रेसिस्टेंस लगा देते हैं। तो एक डिवाइस होता है जिसमें रेसिस्टेंस कितनी होगी ये पहले से डिटरमाइन होती है। तो इसकी हम लोग क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, उसके हम लोग सीधा सीधा डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विथ प्री डिटरमाइन, मतलब पहले से पता हो, कि ये इसकी रेसिस्टेंस। ठीक है, इधर हमने प्रसेंट डिग्रीज भी पढ़ लिया, रेसिस्टेंस इसी को बोलते हैं रेसिस्टर्स। अब रेसिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लो। रेसिस्टेंस ये जो रेसिस्टर्स होते हैं ना, ये रेसिस्टर्स इनको दो तरीके से ज्वाइन किया जाता है, एक सीरीज में ये इसके बारे में हम समझाएंगे, और एक पैरेलल में। ठीक, अब सीरीज में देखो कैसे ज्वाइन किया जाता है। सबसे पहले जो रेसिस्टर्स होते हैं इनका सिंबल देखो, इसका सिंबल ऐसे होता है, ये पहाड़, ये है रेसिस्टर। ठीक, इसके ऐसे इसको लिखा जाता है। तो सीरीज में हम लोग ऐसे करते हैं, एक रेसिस्टेंस नंबर वन, फिर दूसरा यहीं से कनेक्ट कर दो इसी में, दूसरा नंबर रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ये हो गया सीरीज में। मतलब एक के बाद एक, 4, 5, 50, 100,000, 150,000, 1,000,000 ऐसे सीरीज में। तब पैरेलल देखो, एक यहाँ से कुछ तार गया, कंडक्टर गया, और इसके ऊपर एक ये हो गया पैरेलल। फिर दूसरा रेसिस्टेंस अगर लगाना, रेसिस्टेंस लगाना है तो नीचे, ये हो गया पैरेलल। फिर एक से ये क्या हो गया, एक पैरेलल ही हो गया, इस तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल। अब इसका फॉर्मूला देखो, जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसको तुम लोग इसको
जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं उसको तो टोटल को लिखते हैं आर, रेजिस्टेंस का सम क्या होगा आर वन प्लस आर टू, मतलब जितने भी है उन सबको जोड़ दो। ठीक, अब जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, उसको कैसे किया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है, उसको आर पी नहीं लिखा जाता है। जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उसको वन वन बाई आर टी, ऐसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू वन बाई आर की वैल्यू, वन इसकी जितनी भी वैल्यू होगी फिर दूसरे की फिर तीसरे की आर वन प्लस वन बाई आर टू वगैरह 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 जो भी हो इस तरीके से पैरेलल वाले का होता है। तो देखो हमेशा हाईएस्ट रेसिस्टर उसी की होती है जो कि सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है, और सबसे लोएस्ट रेसिस्टेंस उसी की होती है जो कि पैरेलल में कनेक्ट किया गया रहता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये इसकी ये हाईएस्ट होती है, ये हाईएस्ट होती है रेसिस्टेंस और इसकी लोएस्ट होती है लीस्ट। ठीक, बस ये देखिए तुम लोग। अब एक चीज़ जान लो, मज़ेदार चीज़ कि सीरीज में कनेक्ट करने का घाटा क्या है और पैरेलली कनेक्ट करने का फायदा क्या है। अब देखो अगर हम रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, आई होप कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका घाटा क्या क्या होगा। जो सबसे पहला घाटा ये होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा घर है, अगर ये तुम्हारा घर है, ठीक, यहाँ पर से तुम तार ले रहे हो, अगर यहाँ से छोड़ो इसको हटा, घर वाला सिस्टम छोड़ो, जो समझ में आएगा वही समझो। यहाँ पर सेल, छोटा सेल जैसे बड़ा आया, यहाँ पर तुम एक रेसिस्टेंस लगाया, फिर दूसरा रेसिस्टर लगाया, फिर यहाँ पर तुम्हारे बल्ब है, यहाँ पर तुम्हारा पंखा है, यहाँ पर तुम्हारा मोटर है, और यहाँ से ऐसे नीचे में वापस लाइन आ रही है। ठीक, अगर मान लो हो ना हो कुछ दुर्घटना हो जाए और यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाए, यहाँ का जो रेसिस्टर है वो टूट जाए, तो यहाँ से टूट गया, अब इधर कहीं का भी करंट जाएगा नहीं जाएगा। पहला घाटा कि अगर एक जगह पर दिक्कत आएगी तो पूरा चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत कि अगर हम स्विच लगाएंगे तो एक ही स्विच लगाएंगे, एक ही स्विच से तुम्हारा बल्ब भी जलेगा, जब स्विच ऑन करोगे तो पंखा भी चलने लगेगा, मोटर भी चलने लगेगा, पानी भी चलने लगेगा, जो होगा एक स्विच। अगर तुम्हारा मन है कि भैया सोने का मन कर रहा है, लाइट ऑफ कर देते हैं और पंखा चला देते हैं, तो पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। दूसरा नंबर घाटा। तीसरा, हमने पढ़ा था कि जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट रेसिस्टेंस होता है, क्यों होता है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें देखो जितने ए रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज है, ये कुछ रेसिस्टेंस दे रहा होगा, ए रेसिस्टेंस कुछ दे रहा होगा, बे रेसिस्टेंस दे रहा होगा, मतलब ओवरऑल जितनी भी इसकी जो करंट फ्लो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, यहाँ पर मतलब करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तीसरा घाटा ये है कि जो जितने अमाउंट में करंट चाहिए वो नहीं फ्लो कर पाएगी, तीसरा घाटा। चौथा घाटा यही है कि ओवरऑल जो करंट वरेंट है वो सब खराब हो जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट ही तो होगा एडवांटेज पैरेलल सर्किट का। देखो जो पैरेलल में कनेक्ट होंगे उनका देखो क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ऊपर गया, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर ऐसे है, दूसरा तुम्हारा ऐसे है, दूसरा मतलब ऐसे है, ठीक, यहाँ पर तुम्हारा बॉल वगैरह कुछ है, यहाँ पर तुम्हारा पंखा वगैरह कुछ है, और फिर ऐसे है यहाँ पर। अब देखो अलग अलग पैरेलली है, एक बार तुम इसकी लाइट काट सकते हो, एक बार इसकी, अगर मान लो यहाँ पर खराबी हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से तो करेंट पास होगा ना। मतलब पहला फायदा कि अगर एक जगह खराबी होगी तो इससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक, पहला फायदा। दूसरा कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको लगा देते हैं तो इसकी अलग से लाइट काट सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, इसकी अलग से कर सकते हैं, और अगर ये यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, तो अगर इसकी स्विच ऑफ करें तो
फैन बंद हो जाएगा, इसका स्विच ऑफ करें तो लाइट बंद हो जाएगा, मतलब इसको सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। और एक फायदा कि अगर मान लो कि यहाँ पर डैमेज हो जाए, ये हमने बता दिया, तो सब बंद नहीं होगा, दूसरा स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा कि यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलली में लो रेसिस्टेंस होता है, सबसे कम लो रेसिस्टेंस होता है, लोएस्ट होता है, जिससे फायदा ये होगा कि इन सबको करेंट अच्छे से मिलेगी, जिससे ये सब चल पाएंगे। ठीक, ओवरऑल जो करंट होगी वो हाई होगी और रेसिस्टेंस कम होगा। तो रेसिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया। अब इलेक्ट्रिक पावर की जानकारी लेने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लो और गहरी गहरी सांसें लो। अब देखो, आई होप कि तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक छोटा सा ब्रेक ले लिया होगा। ऐसे हर 10-15 मिनट पर लेते रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि देखो, जब भी करंट कहीं ना कहीं से या फिर कुछ भी कहीं से फ्लो करता है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता ही है ना। जैसे कि करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जल जाएगा और पंखा चलेगा, तो सब तो खैर नॉर्मल बातें होगी जो कि बाई प्रोडक्ट हो गए जो उसके प्रोडक्ट में होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है तुम्हारा क्या, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग मतलब कहीं से अगर करंट गुजरेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी पैदा करेगा। दूसरा होता है तुम्हारा केमिकल इफेक्ट। और तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। यही 3 इलेक्ट्रिसिटी के मेनली इफेक्ट्स होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट होता है, यही 3 मेन होते हैं। सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है। और केमिकल इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग बहुत थोड़ा सा जानते हैं, हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में, उसमें जब नहीं सब चैप्टर नंबर 1 में ही तो है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो सब में एक केमिकल इफेक्ट उस वक्त यूज होता है। तो इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल, ये दोनों का भी डिटेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, कहाँ से पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन हाई रेसिस्टेंस, मतलब कि वैसा वायर जिसका रेसिस्टेंस जो है वो हाई है, जब ऐसे वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो वायर होगा देन वायर जो होगा वो हॉट हो जाएगा, वायर बिकम हॉट। और इसी को जिससे ये वायर हॉट हुआ है, इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के इसी इफेक्ट को हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट। ये तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो, अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर्मूला जानने से पहले इसमें एक चीज हम बताना भूल गए और तुमने सोचना भूल गए होगे और शायद याद भी होगा कितनों को, वो ये है कि भैया चलो मान लेते हैं कि हाई रेसिस्टेंस वाला कोई वायर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो गर्म क्यों हो रहा है, वहाँ पर गर्मी का सवाल कहाँ से आ रहा है, क्यों गर्म हो रहा है, हीट क्यों हो रहा है? तो देखो, मेन चीज़ क्या है, एक एग्जांपल लो, जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ से हमारा पावर सप्लाई है, ठीक, और एक वायर है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि बल्ब तक, ये बल्ब है, इस बल्ब तक पहुँचना है, लेकिन ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस हाई है, मतलब कि यहाँ से करंट पास बहुत धीरे धीरे करेगा, मतलब बहुत कम करंट पास करेगा, लेकिन यहाँ से अगर 250 वोल्ट करंट जा रहा है और ये बहुत धीरे धीरे पास कर रहा है, लेकिन तो करंट तो नहीं ना रुक रहा है, करंट तो ये तो दे रहा है, करंट तो ये भेज रहा है, लेकिन
इसको देना नहीं चाहते ये वायर, तो क्या होगा कि जो करंट यहाँ पर आ रहा है वो इसको हीट करने लगेगा, उससे पूरा एकदम गर्म होने लगेगा। इसीलिए यही कारण है कि हाई रेसिस्टेंस वायर्स जल्दी गर्म हो जाते हैं। और ये देखो ये तो खतरनाक तो है भैया, गर्म हो जाएगा तो। लेकिन इसका भी बोलते हैं ना हर सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही इसका हम लोग यूज करते हैं, इस सिस्टम का यूज करते हैं किसमें, हीटर्स वगैरह में, रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, पानी गर्म करने वाला हीटर, ये सब में इसको हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो वायर लगता है मेनली नाइक्रोम वायर लगता है, नाइक्रोम वायर लगता है ठीक। अब देखो अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है एच, एच से हीटिंग, एच से हीट, और ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर आई स्क्वायर करेंट हो गया, ये आर तुम्हारा रेसिस्टेंस हो गया, और ये टी जो है वो टाइम हो गया। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक इसमें भी एक साइंटिस्ट थे, उनका भी कुछ कानून था, जैसे ओम्स लॉ हमने पढ़ा, तो इसमें भैया कैसे लॉ छूट जाए, फिजिक्स मतलब लॉ माने कर चलता कानून पूरा, तो इसमें जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो जूल का जो लॉ है हीटिंग के रिगार्ड में, वो ये कहता है कि क्या कहता है, स्टेट्स दैट, ये कहता है कि किसी भी रेसिस्टर में जब भी हीट प्रोड्यूस होगा वो इसको उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई हीट बनेगा किसमें बनेगा, कंडक्टर में बनेगा, वैसा कंडक्टर जिसकी रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस जिसका हाई होगा उसी में ना हीट बनेगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें तो हीट बनेगा नहीं। तो ये जो हीट होगा, हीट जो रेसिस्टर से प्रोड्यूस होगा, रेसिस्टर में जो प्रोड्यूस होगा वो हीट, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही उसका रेसिस्टेंस जितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कितने समय के लिए करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर करंट का स्क्वायर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, अगर करंट ज़्यादा समय तक फ्लो करेगा तब भी हीट बढ़ेगा। मतलब हीट जो है वो स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहाँ पर तुम्हें फार्मूला दिख रहा है। अब इसको तुम लोग इस लॉ को तुम लोग सिंपली हीटिंग के फार्मूला से याद रख सकते हो, आर बाई आर इंटू टी, बस हीट इसमें से कुछ भी बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो भी हीटिंग बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा, करंट का स्क्वायर बढ़ेगा फिर भी हीटिंग बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा फिर भी हीटिंग बढ़ेगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया, और जो हीटिंग इफेक्ट है ना कोई बुरा चीज़ नहीं है, बहुत भी अच्छा चीज़ है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं हमारे पास जो कि इसी के मदद से चलते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है टोस्टर, टोस्टर जो है इलेक्ट्रिक टोस्टर वो इसी से चलता है, इसी के बेस पर ये सब एप्लीकेशंस हो गए, कुछ हीटर तुम्हारा इसी से चलेगा, जब तक उसमें हीट नहीं होगा तब तक हीटर यूज नहीं होगा। साथ ही जो बहुत सारे ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, केटली, ये सब इसी के प्रिंसिपल पर सब काम करते हैं ठीक, ये सब इसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और इसके साथ जो पहले पीला कलर का जलने वाला जो बल्ब आता था ना, फिलामेंट जिसमें लगता था, जो अभी 15-20 रुपया में मिलता है, 14-15 रुपया में, उसमें भी वही भी इसी के प्रिंसिपल पर चलता था बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब वो कैसे काम करता था उसको तुम लोग थोड़ा सा समझ लो। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर ही चलता है, लेकिन एक काम कैसे करता है इसको अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो इस बल्ब की बात की जा रही है, एलईडी बल्ब की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, इस बल्ब की बात की जा रही है। तो इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ तार दिखाई दे रहा होगा, ये जो तार जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा यही है फिलामेंट ठीक। और जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट इसको फिलामेंट बोला जाता है, और ये बना होता है टंगस्टेन वायर से बना हुआ होता है। और ये जो टंगस्टेन वायर है इसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, टंगस्टेन वायर से बना हुआ रहता है फिलामेंट,
फिलामेंट टंगस्टन वायर से बना हुआ रहता है, और एक टंगस्टन वायर है जिसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है। हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण इससे करंट कम फ्लो करता है, मतलब ये हीट हो जाता है। हीट हो जाता है मतलब गर्म हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के कारण लाल हो जाता है, और लाल होकर चमकने लगता है, और इससे चमकने लगता है मतलब इमिटेड लाइट, और इससे लाइट निकलती है, और लाइट निकलती है जिससे हमारा काम हो जाता है, लाइट निकलती है। और जो टंगस्टन वायर है वो तो कोई आम वायर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जब इतना ज़्यादा इसमें हीट जाता है तो पिघल क्यों नहीं जाता है। इसको पिघलने के लिए कम से कम 3380 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब जाकर ये पिघलता है। कभी कभी जब इससे ज़्यादा सेल्सियस हो जाता है, जब इससे ज़्यादा गर्म हो जाता है, रातों दिन आप जलाते रहोगे बल्ब को, तब जाकर बल्ब फट जाता है, और क्योंकि ये टंगस्टन वायर ख़राब रहता है, पिघल जाता है। यही कारण है बल्ब के जलने का मेकानिज़म यही है। अब देखो, अब चूँकि ये जो बल्ब है, ये बल्ब जो है यहाँ पर, ये तुम्हें टंगस्टन वायर तो यहाँ पर दिख गया जो कि पतला पतला, और ये जो बीच में इसमें कुछ खड़ा हुआ पानी के प्लास्टिक की तरह दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक शीशा की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसके अंदर ना, इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों भरा जाता है? ताकि ये जो बल्ब है वो इंक्रीज बल्ब की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस को, ठीक, और वो इसी में भरी हुई रहती है। इसीलिए कभी कभी आप जब बल्ब के पास ज़्यादा देर खड़े हो जाओगे इस बल्ब के पास, तो आपको अंदर से घुटन सी महसूस होने लगेगी। वो किस लिए होता है? क्योंकि ये गैसेस प्रेजेंट होती है। फिलामेंट जो होता है वो हाई वोल्टेज पर पिघलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो मेल्ट करने की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और ये फिलामेंट जो है टंगस्टन वायर से बना हुआ रहता है। अब देखो, ये जो इस बल्ब के अंदर ये जो ऊपर एक शीशा है, इसके अंदर जितना भी ये चीज़ दिख रहा है ना, टंगस्टन वायर जिसमें आर्गन ऑयल ये सब नीचे जो भरा हुआ है, इस सब को हम लोग बोलते हैं, अंदर के पूरा पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, ठीक। फिलामेंट समझ में आ गया, टंगस्टन वायर से बना हुआ रहता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी होती है, साथ ही उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरे हुए रहते हैं। ये बल्ब का मेकानिज्म तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो, अब अपन के पास एक और चीज़ है जो कि तुम्हें दिखा तो सकते थे, रुको एक सेकंड चेक करने दो। अभी हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। तो देखो, मैंने अपने घर का फ्यूज निकाल दिया है, आप ऐसी कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप करंट लग सकता है। वैसे फ्यूज जो होता है ना, जो कि असली में क्या, जो कि आपकी किताबों में दिखाई देते हैं अक्सर, वो ऐसा होता है। देखो, एक ऐसे प्लास्टिक का बोतल रहता है, छोटा सा पाइप एकदम पतला सा ऐसे रहता है, और इसमें एकदम पतली सी ऐसे वायर गई रहती है। यहाँ पर तुम्हारा मेन पावर सप्लाई होता है, और यहाँ पर तुम्हारे घर के गैजेट्स, टीवी हो गया, फैन हो गया, इधर सब कनेक्ट रहते हैं, ठीक। तो कभी कभी जब मेन पावर सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज जाता है ना, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम रहती है, क्योंकि वायर पतला रहता है। तो क्या होता है कि वायर यहाँ से पिघल कर जलने लगता है, मतलब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो टूट गया, बस इधर करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये सब बच जाते हैं। और इसका कितना पतला वायर होता है ये तुम लोग देखो, यहाँ पर देखो, आई होप कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। देखो, इतना पतला, इससे भी पतला वायर रहता है, ठीक, और लगभग इतना ही पतला रहता है। और जो वायर है ना, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। और साथ ही ये जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वो नॉन कॉम्बसिबल होता है, मतलब इसमें ये जलनशील नहीं रहता है, जल्दी जलेगा नहीं, ठीक। और ये जो वायर होता है, ये इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये कट से मेल्ट कर जाएगा, मतलब कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये सब तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, तुम्हारे बच जाएंगे। और इसका क्या है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का इतना अच्छा तो है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर मान लो ये टूट गया, ये जब जल कर टूट जाएगा, इसमें जो वायर है वो टूट जाएगा, तो क्या करोगे? अपने से निकालोगे, चेंज करोगे, मैकेनिक बुलाओगे, बहुत सारा झमेला है। इसलिए
आता है क्या इसके बदले में अब स्टैंडर्ड घरों में लगाया जाता है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेक, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। इससे क्या होता है ना, जब भी घरों में हाई वोल्टेज आता है तो इसका जो स्विच होता है, स्विच जो होता है वो नीचे गिर जाता है, लाइट कट जाता है। जब आपको लगे कि भैया वोल्टेज सही हो गया तो स्विच को उठा दो, बस फिर से ठीक हो जाएगा। इसमें बार बार चेंज करने का झमेला नहीं रहता है, लफड़ा नहीं रहता है। तो हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने अच्छे तरीके समझ लिया, बल्ब का मैकेनिज्म देख लिया। अब है इलेक्ट्रिक पावर की, भैया इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले फ्यूज को लगाने दीजिए। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक की पावर क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाओगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि इलेक्ट्रिकल काम कितना हो रहा है किसी भी समय के यूनिट में, जैसे कि एक सेकंड में कितना काम इलेक्ट्रिसिटी ने किया, एक घंटा में कितना काम इलेक्ट्रिसिटी ने किया, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कितना काम हुआ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, उसकी पावर कितनी है काम करने की। और इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, सब तुम सबको पता होगा, वाट इसकी SI यूनिट होती है। ठीक, वाट इसकी SI यूनिट होती है। और जो इलेक्ट्रिक पावर है, वर्क डन बाई टाइम इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि कितना वर्क हुआ कितने समय के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। और इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से लिखने आए तो इसका फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो क्या, वाट इज इक्वल्स टू वर्क डन का क्या होता है, जूल बाई सेकेंड। ठीक, ये लिख सकते हो। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो जूल, तुम्हें याद है एक जगह हमने और पढ़ा था जूल के बारे में, याद आ गया, हमने पढ़ा था इसको पोटेंशियल डिफरेंस के समय। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है भाई बताओ, एक बार कमेंट कर जल्दी से एकदम एक मिनट के अंदर में बता दो भाई साहब कि आखिर होता क्या है। तो देखो क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बाई कूलम यानी कि क्यू। ठीक, यानी कि चार्ज। आई होप कि तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको हम थोड़ा सा कहाँ पर लिख दे इसको मिटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है अभी। यहाँ पर देखो वी इज इक्वल टू, हमें पता है डब्ल्यू बाई क्यू होता है वर्क डन बटा चार्ज, ये होता है। ठीक, होता है ना, जिसको हम लोग इसके जगह हम इसका SI यूनिट J रख लेते हैं और इसका SI यूनिट C रख लेते हैं। ठीक, और उसी को यहाँ पर पुट कर दो, इज इक्वल्स टू जे बाई सी। अब SI इंटू S। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और हमने पढ़ा था करंट के बारे में, करंट I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि Q का C कूलम डिवाइडेड बाई टी, यानी कि एस ये इससे कट जाएगा और एस तो यहाँ से पहले से मौजूद है। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, अब होगा कुछ कमाल। अगर अभी हम लोग चाहें तो ये देखो जे और सी इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो भी इंटू आई इज इक्वल टू पी, पावर क्या होता है, भी इंटू आई, ये भी एक इसका फॉर्मूला हो सकता है, ये भी तुम लोग नोट कर सकते हो, एग्जाम में इसके साथ भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से साफ में लिख दिया जी इसका फॉर्मूला, तो अभी इसको हमने साफ में लिख दिया फॉर्मूला, इसका होता है भी इंटू आई, मतलब 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर। अब 1 वाट को थोड़ा सा डिफाइन करना हम लोग सीख लेते हैं। अब 1 वाट को डिफाइन करना सीखो, ये तो मैथमेटिक्स में तुम्हारे इतना ही बस सिंपल, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, इतना ही में काम हो गया। अब इसको लैंग्वेज में लिखना सीखो, 1 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, क्या 1 वाट इज द
पावर, 1 वाट क्या है, एक पावर है जो कि विच इज जो कि कंज्यूम होता है, विच इज कंज्यूम, विच इज कंज्यूम बाई अन बाई एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा अगर 1 वाट का पावर, 1 वाट का पावर कंज्यूम किया जाए, कंज्यूम किया जाए जिसमें जिसमें आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा, डेट कैरीज जिसमें 1 वाट का चार्ज जाए, डेट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट, जिसमें 1 एम्पियर का करंट जाए, जिसमें 1 एम्पियर का करंट जाए, और कब जाए, जब इसको हम लोग 1 वाट के 1 वोल्ट के 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करें, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अप्लाइड ठीक। तो 1 वाट तुम्हें समझ में, ये एक 1 वाट एक यूनिट है पावर का, एक यूनिट है, कब कब होगा 1 वाट, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा 1 एम्पियर करंट कंज्यूम किया जाए, 1 एम्पियर करंट दिया जाए, और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग 1 वोल्ट रखते हैं, 1 वोल्ट, उस वक्त उस इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा जो भी पावर कंज्यूम की जाएगी वो होगी 1 वाट। आई होप कि तुम्हें समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो फिर से सुनो। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, अगर जस्ट मान लो कि कुछ ये इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, ठीक, इलेक्ट्रिक डिवाइस, अगर इसके द्वारा 1 वाट पावर कंज्यूम की जाएगी, 1 वाट पावर कंज्यूम की जाएगी, कब कंज्यूम की जाएगी, जब इसके अंदर 1 एम्पियर का चार्ज, 1 एम्पियर का चार्ज मूव करे, और इसके जो साइड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिस वक्त 1 एम्पियर का चार्ज मूव करे उस वक्त इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो, तो उस वक्त जो इसका पावर कंज्यूम किया जाएगा वो 1 वाट होगा। ठीक, समझ में आया, 1 वाट तुम्हें समझ में आ गया। और वाट ना बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, वाट कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, वाट एक छोटी क्वांटिटी है, इसलिए कमर्शियल घरों के लिए तो ठीक है कि भैया 2 वाट का, 23 वाट का बॉल, 20 वाट का बॉल, 250 वाट, ये सब घर के लिए ठीक है डोमेस्टिक यूज के, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए ये सब उतना सही नहीं बैठता है, इसलिए वहाँ पर यूज किया जाता है किलोवाट, किलोवाट, उस वक्त किलोवाट यूज किया जाता है, जो कि इक्वल होता है 1000 वाट के, 1000 वाट इक्वल होता है 1 किलोवाट। ठीक, इसको यूज किया जाता है, ये भी एक यूनिट ही है इसकी भी। और जैसे देखो वाट में हमने सेकंड को लिया था ना, वाट में वाट को मेजर किया जाता है कि सेकंड में, ठीक, सेकंड में मेजर किया जाता है, वैसे ही किलोवाट को आवर में मेजर किया जाता है, किलोवाट आवर, मतलब कि 1 घंटे में 10 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी पावर यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक, और वाट को मेजर किया जाता है सेकंड में कि 1 सेकंड में इतना वाट, जैसे कि अगर 10 वाट का बल्ब है तो 1 सेकंड में 10 वाट यूज करेगा, इस तरीके से उसमें यूज किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर की बात नहीं की जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू पी इंटू टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो पावर, इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है। अब इतना हम लोगों ने जान लिया, और इतना जान लेने से अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कुछ नहीं, और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया कंप्लीट। और आई होप कि तुम्हें इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन, यूट्यूब वालों ने किस लिए बनाया, कमेंट पूछने के लिए यार, क्वेश्चन पूछो कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, इतने सेकंड में आपने क्या बताया, 22.2 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, 1.2 सेकंड वाला, मतलब जो भी है पूछो यार, और रिप्लाई नहीं मिले तो अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन रिप्लाई मिले और वीडियो अच्छा लगा हो तो
तुम लोग इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम में वही बताएंगे, कितने भी कमीने हो लेकिन बताएंगे वही, ठीक। उनकी भी हेल्प करना अपनी जिम्मेवारी है। लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, इतना ज़्यादा समझ लेने के बाद तो इसका क्वेश्चन आंसर तो नहीं चाहिए होगा, फिर भी अगर चाहिए तो अभी अपन ला देंगे, क्या दिक्कत है, ला देंगे, PDF आपको दे देंगे, नोट्स इसका लेना चाहो तो भी कमेंट में बता देना, अपन दे देंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलो घर चलो, बाय।